नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरा रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, एक रीजनिंग का टॉपिक था सिलॉग। सिलॉग का बेसिक्स हमने बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे वही टॉपिक। जैसे देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, ऑल बेड आर सोफा। ये आप देख सकते हैं, ऑल बेड आर सोफा एंड ईच सोफा इज शेयर। अब देखिए, हमने कुछ चीजें नहीं बताई थी, जैसे ईच आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में ईच आ गया, या फिर कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए। जैसे देखिए, कोई भी दिया जाए, जैसे मान लो 1% कोई भी क्वेश्चन में आ जाए कि 1% बॉक्स इज आइटम, ठीक है। अभी मान लीजिए इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे कोई भी आ जाए 0.0001 से लेकर 99.9900 कुछ भी आ जाए, तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, ये सब हमारा सम में आ जाएगा, ठीक है। अभी 0% बोल दिए, तो देखिए 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है ना। 0 का मतलब ना के बराबर होता है, तो ये हमारा नो के केस में आ जाता है, ओके, नो के केस में आ जाता है। अभी आ जाए 100%, 100% क्या होता है, ये ऑल के केस में आता है, ठीक है। 100% अभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि 100% डॉग इज, 100% डॉग आर कैट, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सारे कुत्ते जो हैं वो बिल्लियां हैं, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया गया, हम सिर्फ फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या दिया गया कि ऑल बेड आर सोफा, है ना, ऑल बेड आर सोफा। देखिए ऑल बेड आर सोफा, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, उसका हमने ये डेफिनेट वाला फिगर बनाया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ईच सोफा इज चेयर। अब देखिए, ईच का मतलब हमने अभी क्या बताया था कि ईच मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्येक, और प्रत्येक में क्या आ जाता है, सब आ जाते हैं, है ना, ओवरऑल टोटल आ जाता है। तो देखिए ईच सोफा इज चेयर, ये हो जाएगा, ठीक है, चेयर लिख लो। देखिए हमने फर्स्ट लेटर इसलिए लिखा है कि देखिए हमको टाइम को भी मैनेज करना होता है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 80 के 80 हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आरआरबी में, आईबीपीएस में 20 मिनट में हमको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो टाइम को हमको मैनेज करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि दिया गया कंक्लूजन हमारा क्या दिया गया, फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कि नो चेयर इज बेड, क्या कोई भी चेयर बेड नहीं है। तो देखिए नो चेयर इज बेड, अब देखिए चेयर का रिलेशन जो है बेड के साथ, कल हमने बताया था कि आल वाले में सम भी आ जाता है ना, और सम का मतलब तो सम होता ही है ना, सम का मतलब सम होता है, और आल वाले में हमारा सम भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या बोल रहा है कि नो चेयर इज बेड। तो देखिए ये हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा कंक्लूजन बोल दिया जाता कि ऑल बेड आर चेयर, तो हमारा सही हो जाता, बोला जाता सम चेयर इज बेड, तब भी हमारा सही हो जाता, क्योंकि देखिए चेयर जो है ये ओवरऑल वाला हमारा जो लास्ट वाला जो फिगर है, लास्ट वाला जो सर्कल है, ये ओवरऑल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा अभी पूछ लिया जाता कि ऑल बेड आर चेयर, तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये कंक्लूजन सही हो जाता, सम के केस में आता तब भी सही हो जाता, वैसे ही सोफा वाला जो है ये भी हमारा सम और आल के केस में दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। बट चेयर का अभी पूछ लिया जाए कि ऑल चेयर आर सोफा, तो ये हमारा बताया था कि ऑल चेयर आर सोफा अगर पूछ लिया जाए, या फिर ऑल चेयर आर बेड, तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, उसमें बता देंगे।
ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हमारा कंक्लूजन है, दूसरा कंक्लूजन हमारा दिया गया सम चेयर आर सोफा, है ना, सम चेयर आर सोफा। तो देखिए चेयर के अंदर सोफा है हमारा, है ना, ये देखिए चेयर के अंदर सोफा है, तो देखिए सब में हमारा कुछ तो सोफा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंक्लूजन जो है वो फर्स्ट वाला देखिए हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है ऑल मैंगो इज इंडियन। तो देखिए ऑल मैंगो इज इंडियन, ये हमने फिगर अपना ड्रा कर लिया। फिर दूसरा क्या दिया गया सम अल्फांसो इज मैंगो, तो देखिए सम अल्फांसो इज मैंगो, हमने पहले वही बता दिया था कि पहले हम सारे जो स्टेटमेंट्स जो हमारे होते हैं उन सब में हम स्टेटमेंट उन सारे स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे, उसमें जो हमारा कॉमन स्टेटमेंट में होगा कॉमन वर्ड या सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी बोला जाता है जो भी हम समझते हैं ठीक है, उसी को हम कॉमन वाले को लेकर पहले हम रखेंगे। तो देखें अभी इसमें क्या बताया है कि ऑल मैंगो इज इंडियन, फिर क्या है सम अल्फांसो इज मैंगो, तो देखिए सम अल्फांसो इज मैंगो, तो इस फिगर को पहले देखिए ये सम अल्फांसो इज मैंगो हो गया, अब क्या बोला कि ऑल मैंगो आर इंडियन, ठीक है ऑल मैंगो इज इंडियन, और फिर नेक्स्ट क्या बोला कि सम मैंगो इज टोटापुरी, तो देखिए सम मैंगो इज टोटापुरी, ये हो जाएगा सम मैंगो इज टोटापुरी। देखिए ये हमारा हो गया ऑल मैंगो इज इंडियन का, और दूसरा क्या हो गया सम अल्फांसो इज मैंगो, और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सम मैंगो इज टोटापुरी। तो देखें इस फिगर को जब हम आपस में मर्ज करेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं। जैसे देखिए क्या दिया गया कि ऑल मैंगो, तो देखिए सब पहले क्या दिया गया सम अल्फांसो इज मैंगो, इसको हमने ड्रा कर लिया। फिर क्या दिया गया ऑल मैंगो इज इंडियन, तो देखिए ऑल मैंगो इज इंडियन हो गया। फिर हमारा क्या आ गया है कि सम मैंगो इज टोटापुरी, तो देखिए सम मैंगो इज टोटापुरी, ये हमारा हो जाएगा सम मैंगो इज टोटापुरी, ठीक है ये हमारा फिगर हो गया। मेन चीज है क्या इस क्वेश्चन में फिगर हमको बनाना आ जाए बस, ठीक है। तो देखिए अब हमारा कंक्लूजन क्या दिया गया सम अल्फांसो इज टोटापुरी, क्या कुछ अल्फांसो जो है वो टोटापुरी है, तो देखिए सम का केस जो है ये सिर्फ अल्फांसो का मैंगो के साथ सम का केस बताया गया है, बट क्या टोटापुरी के साथ इसमें बताया गया है, इसमें डायरेक्ट तो अल्फांसो का टोटापुरी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है, बट इनडायरेक्टली तरीके से ये हमारा टोटापुरी का बताया गया, तो इसलिए ये हमारा डाउट में काउंट किया जाता है, इसको हम रॉन्ग में लेकर चलते हैं, ठीक है डाउट वाला, ठीक है। फिर क्या आ गया नेक्स्ट, जैसा कि दिया गया सम इंडियन इज अल्फांसो, सम इंडियन इज अल्फांसो, तो देखिए सम इंडियन इज अल्फांसो, तो देखिए जब सम मैंगो सम अल्फांसो हमारे मैंगो है और ऑल मैंगो हमारे इंडियन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया सम मैंगो इज इंडियन, तो देखिए सम मैंगो इज इंडियन, अभी हमने बताया था आल वाले में सम हमारा आ जाता है, तो इसलिए दूसरा तीसरा वाला भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला जो है कंक्लूजन वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड और थर्ड कंक्लूजन हमारे राइट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ओके चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, जैसा कि दिया गया सम जूस आर बेवरेज, तो देखिए सम जूस आर बेवरेज ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया नो बेवरेज इज अ ड्रिंक, तो देखिए नो बेवरेज इज अ ड्रिंक, ये हमारा फिगर हो जाएगा नो का, ठीक है। फिर क्या आ गया सम ड्रिंक्स आर पीज, कुछ ड्रिंक जो है वो पीज है, तो ये हमारा फिगर हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये हमने फिगर ड्रा कर दिया है।
ठीक है, अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन्स क्या दिए गए। कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल जूसेस आर टीज, क्या सारे जूस टीज हैं। तो देखिए ये रहा हमारा जूस और ये रहा हमारा टीज, तो क्या इसका हम इससे रिलेशन कर सकते हैं, इसका रिलेशन क्या इससे हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हमारा दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया कि सम टीज आर नॉट बेवरेज। तो देखिए नेक्स्ट क्या हमारा दिया गया, सम टीज आर नॉट बेवरेज, सम टीज आर नॉट बेवरेज। तो देखिए ये हमारा कंक्लूजन क्या है, सही होगा या गलत होगा। तो देखिए ये कंक्लूजन हमारा सही है, कैसे सही है, देखिए जब हमारा क्या दिया गया कि आल ड्रिंक, मतलब नो ड्रिंक इज बेवरेज, नो ड्रिंक इज बेवरेज, जब हमारा कोई भी ड्रिंक बेवरेज नहीं है और सम टीज आर ड्रिंक दिया गया कि सम टीज आर ड्रिंक, मतलब जो कुछ हमारा पार्ट ये दिया गया है ड्रिंक का वो भी हमारा बेवरेज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा जो कंक्लूजन सेकंड वाला दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिया गया है कि सम टीज आर नॉट बेवरेज, सम टीज आर नॉट बेवरेज, तो ये हमारा फिगर क्या हो जाएगा, मतलब जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भाई यहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, लिंक को भी शेयर करिए, लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आते रहेंगे जिससे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया कि नो स्टार इज एन एक्टर, कोई भी स्टार एक्टर नहीं है, नो स्टार इज एन एक्टर। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया कि सम एक्टर आर मॉडल्स, सम एक्टर्स आर मॉडल्स, ये हमारा फिगर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन जैसा कि दिया गया कि ऑल स्टार बीइंग मॉडल इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सारे स्टार मॉडल होने की कोई भी संभावना है, मतलब ऑल स्टार बीइंग मॉडल इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए इसका हम पॉसिबिलिटी का हम फिगर ड्रा करेंगे, तो देखते हैं कैसे इस फिगर को हम ड्रा करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमारा दिया गया है नो स्टार इज अ एक्टर, और फिर हमारा दिया गया कि सम एक्टर इज, क्या दिया गया, सम एक्टर इज मॉडल, सम एक्टर आर मॉडल, तो ये हमारा फिगर कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी का बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूछ कर रहा है कि ऑल स्टार बीइंग मॉडल इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा डेफिनेट का है और ये पॉसिबिलिटी का फिगर है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी वाला हमारा जो कंक्लूजन दिया गया उसके अकॉर्डिंग इसको हम चेक करेंगे, जैसा कि क्या दिया गया है कि ऑल स्टार बीइंग मॉडल इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए स्टार और ये मॉडल के अंदर हमारे सारे स्टार आ गए, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला नो स्टार इज अ मॉडल, ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या कोई रिलेशन बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बनाना चाहें तो हमारा पॉसिबिलिटी में ये हमारा फिगर बन जाएगा, तो इसलिए हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं जैसा कि अभी हमने बताया था कि आइदर आर के केस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए आइदर आर केस होता क्या है, जैसा कि हमने इनइक्वालिटी में बताया था, इनइक्वालिटी के जो हमने तीन स्टेप्स बताए थे आइदर आर के केस में, वही हमारे इसमें भी फॉलो करते हैं सिलॉग में। ठीक है, क्या बताया था, जैसे फर्स्ट क्या बताया था, जैसे फर्स्ट कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। ठीक है, जैसे देखें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, हमारे दो स्टेटमेंट, ये जो है आइदर आर का केस सिर्फ दो स्टेटमेंट में ही फॉलो करता है। कैसे, कौन कौन से, जैसे देखिए कोई भी दिया गया, मान लो दिया गया हो सम
ए आर बी, और दूसरा दिया गया हो नो ए आर बी। देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, इसीलिए हमने बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन आइदर आर के केस में इस टाइप के हमारे कंक्लूजन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, बोथ शुड बी रॉन्ग, है ना, बोथ शुड बी रॉन्ग इन डाउट, ये भी हमने बताया था कि दोनों जो है गलत होने चाहिए लेकिन डाउट में, है ना, दोनों गलत होने चाहिए लेकिन डाउट में, कि हम 100% नहीं कह सकते कि ये चीज हो सकती ही है, मतलब हो भी सकती नहीं भी हो सकती, यही हमारा सिलॉन्ग होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है कि वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी निगेटिव, कि एक तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव है हो और दूसरा निगेटिव हो। तो देखिए सम वाला ये हमारा क्या होगा, एक तो हमारा ये होगा, जैसे देखिए दूसरा आप लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आधा आर पी आर क्यू नो पी आर क्यू, है ना, तो देखिए जैसा कि हमने बताया था कि एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव, आर हमारा पॉजिटिव में आ गया ना, और दूसरा हमारा नो वाला नेगेटिव में आ गया, ठीक है। ये हमारे तीन स्टेप्स हमको याद होने चाहिए तभी हम आइदर आर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आइदर आर के इसका, ठीक है। जैसा कि दिया गया कि सम मैंगो आर ट्रीज, है ना, सम मैंगो आर ट्रीज, ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये हमारा पहला फिगर ड्रा होगा। फिर क्या है, सम ट्रीज आर लॉन्ग, सम ट्रीज आर लॉन्ग, ये हमारा होगा सेकंड। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया कि सम ट्रीज आर शॉर्ट, सम ट्रीज आर शॉर्ट। अब देखिए इस फिगर को हम इससे भी मैच कर सकते थे, मतलब ऐसे देखिए ये हो गया हमारा, ये फिगर हमारा बना है और ये दिया गया कि सम ट्रीज आर लॉन्ग, और फिर क्या दिया गया कि सम ट्रीज आर शॉर्ट, तो सम ट्रीज आर शॉर्ट, ये फिगर हम ऐसे भी ड्रा कर सकते थे, बट ये हमारा जो फिगर है ये हमारा फिगर पॉसिबिलिटी का फिगर है। अगर हम इस फिगर के बेस पर हम सारे कंक्लूजन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे कंक्लूजन गलत हो सकते हैं, ठीक है, और अगर इससे हम सॉल्व करेंगे तो सारे कंक्लूजन हमारे सॉल्व होंगे, क्योंकि ये हमारा है डेफिनेट फिगर, ठीक है, ये है हमारा डेफिनेट फिगर। तो अब देखिए हमारे दिए गए हैं कंक्लूजन को हम देखते हैं कैसे क्या है। जैसा कि दिया गया है कि नो लॉन्ग इज शॉर्ट, है ना, नो लॉन्ग इज शॉर्ट, क्या कोई भी लॉन्ग जो है शॉर्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते, बट इनडायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे, इनडायरेक्टली पॉसिबिलिटी के फिगर में हम बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा डाउट में हो गया कि नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये हमने दो, सही भी हो सकता गलत भी हो सकता। और फिर दूसरा क्या दिया गया है कि सम लॉन्ग आर शॉर्ट, सम लॉन्ग आर शॉर्ट, तो देखिए इस फिगर में नहीं दिख रहा है बट इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सम लॉन्ग आर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए जैसा कि अब हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम,
है ना, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरा, वन शुड बी निगेटिव एंड वन शुड बी पॉजिटिव, की एक जो है निगेटिव होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन में ये हमारी तीनों कंडीशन दी गई है ना, ये हमारी तीनों कंडीशन दी गई हैं, तो इसलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑल केक्स आर लॉक, मतलब सारे केक लॉक है, ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि सम लॉक्स आर कीज, सम लॉक्स आर कीज हो गए। फिर सम कीज आर कार्स, तो देखिए सम कीज आर कार्स, ये हमारा फिगर हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखिए हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, कंक्लूजन जैसा कि दिया गया है कि सम कार आर लॉक्स, तो देखिए क्या दिया गया, सम कार आर लॉक्स, ये हमारा क्या दिया गया है, ओ सॉरी हमने तो सब कुछ एक ही लिख दिया है, ये हमारा है एक और ये है हमारा का, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है कि सम कार सार लॉक, मतलब सम कार सार लॉक, ये हमारा डेफिनेट में तो नहीं बता सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी में अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा पॉसिबिलिटी का फिगर, ये केक हो गया और ये हो गया कार, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो सकता है और गलत हो सकता है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है कि सम कार्स आर केक्स, सम कार्स आर केक, तो देखिए कहाँ केक दिया गया है, कहाँ कार दिया गया है, तो इसके बारे में हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी में यही पूछा जाता तो शायद हम बता सकते थे, बट डेफिनेट में पूछा गया तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, नो कार इज लॉक, नो कार इज लॉक, तो देखिए इसके बारे में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते बट इनडायरेक्ट बता सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहला वाला स्टेटमेंट चेक किया था, ठीक है। तो ये भी हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो देखिए जैसा कि अभी हमने बताया था आइदर आर के केस की कंडीशन, तो हम इसको भी हम चेक कर लेंगे कि क्या कंक्लूजन में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया गया कि आइदर आर का उसमें दिया जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम तीनों चीज़ें आइदर आर के केस की चेक कर लेंगे, क्या होना चाहिए कि फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बताई थी कि गया है कंक्लूजन, इसमें देखें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तीनों क्या, दोनों क्या है, सेम है। और फिर बोथ शुड बी रॉन्ग इन डाउट, तो देखिए बोथ शुड बी रॉन्ग इन डाउट, ये हमारा डाउट में हो गया है ना। और फिर क्या है कि वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, मतलब एक तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हमारा कंक्लूजन जो दिया गया है वो पॉजिटिव है और थर्ड वाला जो दिया गया है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा आइदर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, आइदर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा कंक्लूजन फॉलो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा कि आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सम सॉन्ग आर डांस, सम सॉन्ग आर डांस हो गया। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि सम डांस आर म्यूजिक, सम डांस आर म्यूजिक, ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रा हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखते हैं हम हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए, कंक्लूजन क्या दिया गया, फर्स्ट कंक्लूजन है सम सॉन्ग आर म्यूजिक, क्या कुछ सॉन्ग म्यूजिक है, तो इसके बारे में ये हमारा डेफिनेट हो गया। अब देखिए पॉसिबिलिटी का फिगर अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, देखिए ये हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर। देखिए जैसा कि हमारा कंक्लूजन दिया गया है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम सॉन्ग आर म्यूजिक, तो देखिए सम सॉन्ग आर म्यूजिक अगर हम डेफिनेट में देखें, ये हमारा डेफिनेट का अगर हम चेक कर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी, तो देखिए डेफिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि सम सॉन्ग आर म्यूजिक तो ये हो जाएगा गलत, बट पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सही। और दूसरा क्या दिया गया है, नो सॉन्ग इज म्यूजिक, नो सॉन्ग इज म्यूजिक, डेफिनेट में क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आइदर आर के केस में। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिफ्थ सही हो जाएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।